अपन जो लोकेशन दिखा रहे हैं उसमें घुसते जा रहे हैं, और ऐसा रोड में ले आया है कि मतलब समझ ही भी नहीं आ रहा है कि कौन सा रोड है, क्या है, इसमें गाड़ी जाती भी है कि नहीं। और टाइम अभी मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, 10:30 बज गया है रात का। तो सच बोलूँ तो थोड़ा मतलब लग भी रहा है डर कि सही रोड है कि नहीं है, क्या है, कैसा है, चले जा रहे हैं। फ्रेंड गुड मॉर्निंग, एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज का अपन का जो डे टू है वो देखने को आप लोगों को मिलेगा, और कहाँ जाने के लिए हम लोग निकले थे वो आज अपन हो सकता है अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाए, क्योंकि स्टॉपेज होते जा रहा था। हम लोगों का प्लानिंग था कि कल ही निकल जाएंगे, लेकिन फिर आंटी भी फोर्स की जिद की कि आज रुक जाओ और डिनर करके जाना, कल मॉर्निंग में चला जाना। तो ऐसा कुछ हो गया है, तो अभी फिलहाल नाश्ता करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है, कितने बजे निकलना है, 2 गाड़ी जाएगी या 3 गाड़ी जाएगी, क्या करना है वो फिर अपन डिसाइड करते हैं। फिर वीडियो में आप लोगों को तो देखने के लिए मिल ही जाएगा। और कल के वीडियो में मैं एंडिंग करना भूल गया था, क्योंकि फ़ोन का बैटरी बिल्कुल 0 हो गया था और मेरे को चार्ज करने का टाइम ही नहीं मिला। कहाँ जाने का प्लानिंग चल रहा है, इतना गाड़ी चकाचक कर रहे हो? कान्हा नेशनल पार्क जा रहे हैं भाई। क्या है वहाँ फेमस? रिसोर्ट है, सफारी है, जंगल। कहाँ जाने का प्लानिंग है आज? आप बताओ आपका गाड़ी। जहाँ ले जाओ घुमाने। चलते हैं, अभी सोचेंगे रास्ते में। ये गाड़ी जाएगी ना? एक गाड़ी रेडी हो रही है, अब दूसरा देखते हैं किया जाती है कि नहीं। और भाई यहाँ पे गरम गरम चाय का मजा लेते हुए। ठीक। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग में चेंजेस आ गया है। वो क्या हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सुबह तक आप मेरा वीडियो देख रहे थे, अपन गाड़ी भी धो रहे थे, सारा कुछ मतलब प्लानिंग था कि जाना है, आगे बढ़ना है, कान्हा जो नेशनल पार्क अपन जाने वाले थे। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि मेरे को वापस बिलासपुर आना पड़ रहा है। वो क्यों आना पड़ रहा है, किस लिए आना पड़ रहा है, मैं आप लोगों को थोड़ा देर में बताता हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि अभी मेरे को वापस लगभग 100-150 किलोमीटर मेरे को वापस जाना पड़ रहा है जिस जगह में मैं था। तो उसके बाद फिर से वहां से मेरे को आगे जाना पड़ेगा। तो मतलब बिना मतलब का मेरे को वापस जाना पड़ रहा हूँ। क्या हो गया, कुछ ऐसा काम पड़ गया कि मेरे को अर्जेंट वापस जाना पड़ गया। बाकी गाड़ी जो 2 गाड़ी थी, किया थी और अर्टिगा थी, वो तो निकल गए आगे, उन लोग मतलब कुछ देर में पहुंचने वाले रहेंगे, और मैं इधर निकल गया। तो ऐसा नहीं है, अपना जो ट्रिप है वो कंटिन्यू ही रहेगा, बस प्लान में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। मैं बिलासपुर से फिर मैं जाऊंगा, उसके बाद फिर वहां तो अपन खैर मुलाकात कर। देखिए तखतपुर जो मैं आप लोगों को दिखाया था, वहां हम लोग फिर से मेरे को तखतपुर में वापस पहुँचने वाला हूँ। तो ऐसा कुछ रोड है तखतपुर का, जो जैसा कि देख सकते हैं ये। चलिए अपन वीडियो में कंटिन्यू बने रहते हैं। अभी डीजल डलवाने के लिए रुका था, 5 मिनट रुका हूँ, उसके बाद फिर निकल गया। और कहीं ना कहीं थोड़ा नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाया करके थोड़ा सिर में भी हेडेक टाइप से हो रहा है, मतलब सिर पेन कर रहा है। मेरा ऐसे ही होता है, अगर नींद मेरा कंप्लीट नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा रीज़न हुआ जिससे मैं सो नहीं पाया ना, तो दूसरे दिन एकदम सिर फटने लगता है मेरा। और सेम वही हाल अभी हो रहा है। और समझ लीजिए अभी मेरे को बिलासपुर से फिर वापस जाना है कान्हा नेशनल पार्क, कम से कम में 300 किलोमीटर। देखिए गाड़ी का लुक देखिए, एक टॉवेल तक को मैं अंदर करने का टाइम नहीं मिला, मैं टॉवेल नहाया हूँ और बाहर में ही पड़ा है, और एक बैग पीछे में। सोच लीजिए मैं यहाँ से टॉवेल उठा के पीछे डालने का हिम्मत नहीं हो रहा है। और पेट्रोल डलवा के अभी निकल गए हैं, अब देखते हैं बिलासपुर पहुँचते हैं। अब खैर तो बिलासपुर तक का तो रोड अच्छा है, यहाँ से जो खराब था अपने को पहले ही मिल गया। तो फाइनली फ्रेंड मैं आप लोगों को टाइम दिखाता हूँ, पहले 4:11 हो गया है शाम का, और अभी मैं निकल रहा हूँ फिर से एमपी के लिए। जो मॉर्निंग में आया था, जो काम था जरूरी वो हो गया, अब फिर से मैं जा रहा हूँ। तो आज एक्स्ट्रा ड्राइविंग हो गया बिना मतलब का खामा खा। खैर कोई बात नहीं, चलता है। तो फर्स्ट वीडियो में आपने देखिए इन लोगों को, कोई वो नहीं है। फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे कि अपन जिस बाईपास से मिले थे वहां पर, देखिए यहां पर फर्स्ट वीडियो में आप देखे होंगे। तो फिर से अपन जा रहे हैं उतना ही दूर
उतना ही फिर से सफर करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, अभी तो फिलहाल अकेले जाते हैं, वहां दो गाड़ी अपने इंतजार कर रहे हैं, वहां फिर और मजा आएगा। तो अभी जल्दी जल्दी मेरे को पहुंचना है। अंधेरा होने से पहले मैं सोच रहा था कि जो चिल्फी घाटी पड़ता है, जो घाट है काफी, मतलब छत्तीसगढ़ एमपी में टॉप में है वो, काफी टर्न उसमें रहते हैं, तो वो घाट मैं पहले पार कर लूं उजाला उजाला में, जिससे आपको भी कुछ दिखा सकूं और मेरे लिए भी ठीक रहेगा कि उजाला में पार हो जाए तो ज्यादा अच्छा। अंधेरा होने के बाद फिर क्या है, जानवर वगैरह का भी आने का थोड़ा खतरा रहता है, तो सेफली दिन दिन में पार कर लें तो ज्यादा अच्छा है। खैर चलिए देखते हैं, जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा। डीजल डलवा लेते हैं गाड़ी में, तो चलिए अभी लाइन लगा है फिर डीजल डलवा के, और हालांकि अभी रेंज है लेकिन बैकअप में रखना जरूरी है क्योंकि पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या है कैसा है। तो चलिए डीजल डलवा लेते हैं अपन। यहाँ पर हम लोग पता नहीं कौन से जगह में आ गए हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ दिख रहा है, मार्केट टाइप का, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पर है। और रोड की कंडीशन बताऊँ तो एकदम ही हाल बेहाल है, मतलब आपका गाड़ी का सस्पेंशन को अगर आप टेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो इस वाले रूट में एक बार चले जाइए। फाइनली फ्रेंड, मतलब आज के डेट में मैं अच्छा रोड अभी देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे को कि हाँ कुछ है रोड। हालांकि वो बिलासपुर साइड का हाईवे का अलग बात है, इस एरिया में अभी जाके मेरे को हाँ कुछ रोड देखने को मिला, ऐसा लगा गाड़ी भी सांस लिया ठंडा, ऐसा लगा मतलब हालत ही खराब हो गया था। अब देखते हैं फिलहाल हमारा खुशी कितना देर रहता है। बाकी यहाँ का एरिया देखने से हरियाली जिस तरफ देखे मस्त, मतलब आँख को एक अलग ही सुकून मिलता है। आप अपने जैसे लेफ्ट साइड दिखा रहा हूँ, पूरा गन्ना है यहाँ पर, गन्ने का खेती हुआ है जैसे कि देख सकते हैं, दोनों साइड वैसे व्यू देखने को मिल रहा है। बहुत देर के बाद गाड़ी कहीं रुकने का मौका मिला और रोड अच्छा मिला, जैसे कि देख सकते हैं गन्ने का खेत देखने आया है, तो थोड़ा सा गन्ने का खेत है तो थोड़ा अपना फ़ायदा उठाया जाए करके, जैसा कि देख सकते हैं रोड काफ़ी मस्त है। तो दो मिनट अपना टैंक खाली कर लेता हूँ मैं। चंदा मामा कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए एकदम। अगर आपको शांति चाहिए ना तो इस एरिया में आ सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी मस्त व्यू है। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली हम लोग को हाईवे तो मिल गया है। हाईवे में आते ही अब इतना कुछ जैसे कॉफ़ी वॉफ़ी पिया जाए करके, यहाँ अपन कॉफ़ी पी लेते हैं फिर उसके बाद फिर आगे निकलेंगे। अब देखते हैं ये वाला हाईवे में टोल वगैरह लगता है कि नहीं लगता है, चलिए कॉफ़ी पीते हैं पहले। तो अभी हम लोग जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा एकदम जंगल के अंदर हैं, जस्ट पीछे अपन घाटी से क्रॉस हुए और एमपी में एंटर कर चुके हैं। आरटीओ चेकिंग वगैरह हो रहा था, खैर अपना तो खैर नहीं हुआ, डिक्की वगैरह खोल के चेक करना तो रहता है, उसमें नहीं हुआ अपना, निकल गए हम लोग साइड से। बाकी अभी वही मैं जो सोचा था वही हुआ, देखिए पूरा जंगल है और लाइट जहाँ जा रहा है वहीं तक कहीं आप लोगों को दिखा पा रहा होगा, लेकिन जहाँ तक देखिए पूरा हरियाली है। थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए, नहीं तो काफ़ी मज़ा आता देखने में। और यहाँ पर पीछे में बोर्ड भी देखा था कि स्पीड लिमिट में चलाना है, वन एरिया में आ गए, वन खाली एरिया में। तो चलिए अब रात में तो कुछ खास दिखाने को है ही नहीं, रोड ही दिखेगा, तो देखते हैं जहाँ मेरे को जाना है स्टे करना है वहाँ पर पहुँच के फिर दिखाता हूँ क्या लोकेशन है कैसा है। अभी तो फिलहाल हम लोग एमपी एंटर तो काफ़ी टाइम से कर चुके थे, एमपी का पहला टोल आ रहा है, अब देखते हैं इसमें कितना टोल कटता है, टोल टैक्स अपना, और चलिए देखते हैं क्या सीन है कैसा है। अब देखते हैं ये एमपी का टोल है कितना कटता है क्या है। वाह तुरंत रेट ले लिया, अब मैसेज आएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना लगा एमपी का पहला टोल में। यहाँ पे अपन जो लोकेशन दिखा रहा है उसमें घुसते जा रहे हैं और ऐसा रोड में ले आया है कि मतलब समझ ही भी नहीं आ रहा है कि कौन सा रोड है क्या है, इसमें गाड़ी जाती भी है कि नहीं। और टाइम अभी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, 10:30 बज गया, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, कुछ समझ आना है आ ही नहीं पा रहा है। और ऐसा एकदम रोड है कि इसमें मतलब गाड़ी पार भी हुआ है कि नहीं पता नहीं चल रहा है, और एकदम जंगल है जैसा कि देख सकते हैं। चलते हैं देखते हैं क्या है आगे कैसा है।
अब लग रहा है फ्रेंड हम लोग सही रास्ते में आ रहे थे, लेकिन हो सकता है कोई एक आंख मोड़ हम लोग छोड़ दिए थे जिसके वजह से उस टाइप का खराब रोड में आना पड़ा। अभी अभी जाके बोर्ड वगैरह बैनर वगैरह देखने को मिल रहा है तो अब थोड़ा सा जी में जी आ रहा है। देखिए ये सब रिजॉर्ट वगैरह का सबका दिया हुआ है, तो अपना अभी लगभग 5-4 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन रोड एक नंबर है। एडवेंचर मतलब चाहिए ना लाइफ में तो इधर जरूर आइए। सस्पेंस भरा रोड है कि आगे पल भर में क्या है कुछ समझ नहीं आता। अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं और उसमें अगर मैप से आ रहे हैं तब तो और फिर सोच में पड़ जाएंगे कि आगे है भी कि नहीं है रोड, बस जाए जा रहे हैं ऐसा लगता है। लेकिन अभी अब लगता है कि सही ट्रैक में अपन आ गए हैं, अब देखते हैं आगे क्या कैसा है। चलिए अभी और लगभग 11 बज गया, मैं बताना चाहूँगा देखिए तो कब उससे निकले थे। और देखिए ऐसा छोटा छोटा पुल आता है तब तो और डर लगता है कि पुल के उस पार क्या है कैसा है। देखिए अब आगे का रोड देखिए फिर से एकदम खराब एक कर। फाइनली अपन अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। ये रिसेप्शन है और इस टाइप का कुछ एंट्रेंस है जैसे कि देख सकते हैं। फाइनली अब चलिए अब बाकी रूम टूर और नेक्स्ट पार्ट आपको नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा और नीचे कॉमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि कैसा रहा आज का वीडियो। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।